फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंच गए हैं जल महल पैलेस और ये जल पूरे झील के बीच में बनाया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। जल महल पैलेस आपको करीब से दिखाते हैं थोड़ा। ये है जल महल पैलेस, ये राजा जयसिंह ने बनाया था और इसके बीच में कैसे जाते थे ये तो पता नहीं, बट आप देख ही रहे हो जल महल पैलेस चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां, बीच में सारे में झील, बीच में महल। शाम के टाइम यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बैठने का मजा आता है। और यहाँ देख रहे हैं पब्लिक और ये आ रहे हैं रितेश जी और ये बाहर आ गई रोड। कबूतर भी हैं, दाना चुग रहे हैं, अंदर जा नहीं सकते, तैरना आता नहीं है। और भाई यहाँ पर बोटिंग है नहीं, तो आप आराम से देखिए जल महल और इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं कि अब हम पहुंच गए हैं आमेर के किले की पार्किंग में। ये है उनकी पार्किंग, ऊपर जो सीधी आती है, यहाँ सारी गाड़ियां आप देख ही रहे होंगे लगी हुई और लोग आ रहे हैं यहाँ। और ये है आमेर के किले की पार्किंग और अब हम लोगों ने गाइड कर लिए हैं एक, ये है हमारे गाइड और अब हमें ये लेके जाएंगे ऊपर आमेर फोर्ट में। तो फ्रेंड्स देखिए हम पहुंच गए हैं आमेर के किले के मेन गेट पे एंट्री पे और वो जो ऊपर दिख रहा है वो है जयगढ़ फोर्ट। और देखिए ये बजा रहे हैं सारंगी और ये साथ में फोटो खींचने में लगे हुए हैं, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और ये जा रहा है आमेर के फोर्ट के लिए रास्ता। फ्रेंड्स ये है आमेर फोर्ट की ये है आमेर फोर्ट की मेन एंट्री, जहां से अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे आमेर फोर्ट। हाथी का रास्ता है सबसे पहले ये वाला पूरा पार्ट। और फ्रेंड्स ये है आमेर कोर्ट की पैदल एंट्री, जो लोग पैदल आते हैं उनको यहां से एंट्री होती है। और बताते हैं कि यहां से हाथी वगैरह भी आते हैं, हाथी और ऊंट। और ये यहाँ का टिकट काउंटर जिसमें 100 रुपए लेके 500 रुपए तक की एंट्री टिकट्स हैं। ये देखिए आमेर फोर्ट में स्थित चंडी माता का मंदिर, ये यहाँ की एंट्री है, एंट्री ही पर ही आपको मंदिर मिल जाएगा चंडी माता का मंदिर। और अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर जहाँ पर हमारी टिकट चेक की जाएगी और यहाँ लिखा है बिना मास्क के एंट्री नहीं है। अब देखते हैं, ये देखिए अब हम चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम अंदर जा रहे हैं गेट के अंदर, जैसा कि उन्होंने बताया था गाइड ने हमारे कि बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता, अंदर से बाहर देखा जा सकता था, इस तरीके की जालियों का काम यहाँ पर किया गया था। चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। अब हम आमेर के किले के अंदर जा रहे हैं। गार्डन है, इसे लेडीज गार्डन के नाम से जाना जाता है। सामने शीश महल है सर दीवाने, ये आ गए हैं अब हम शीश महल दीवाने खास में। ये शीशे का काम बहुत हुआ हुआ है इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे दीवारों पर शीशे हैं और बहुत पहले पुराने जमाने में यहाँ पर एक लाइट जलाने पर ही ये सारा हजारों लाइट में बदल जाता था और सारे ये जो हैं लाइट में बदल जाते थे।
या लैंप जलाते थे तो एक मोमबत्ती की रोशनी से पूरा शीश में टिमटिमाता था, तारे टिमटिमाते थे। और पहले अंदर भी अलाउड था लेकिन अब प्रेजेंट में अलाउड नहीं है सर। अभी जो है वो अंदर अलाउड नहीं है, इन्होंने इस शश महल में आज से साल या दो साल पहले अंदर जाना अलाउड था, जो अब बंद कर दिया गया रेलिंग्स लगा के। पहले यहाँ पर पूरा अंधेरा करके मोमबत्ती जलाया करते थे तो ये पूरा का पूरा महल रोशनी से चकमक चकाचौंध हो जाता था, बट अब ये बंद कर दिया गया। शीशे गर्म होते थे जब राजा लोग नाइट पर कैंडल जलाते थे या लैंप जलाते थे। और वो पीछे क्या है? पीछे पहाड़ी एरिया है जो अभी आपको ऊपर से दिखाएंगे। ओके, ये देख रहे हैं जैसे कि आप, ये पीछे पहाड़ी एरिया दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह है शीश महल और यहाँ शीशे लगे हुए हैं सारे में। पहले दिखाते थे अब तारे, लेकिन गेट के आगे एक गेट हो रहा है, दोनों ये बंद करने के बाद में ये रैली के बाहर से देखना पड़ता है सबको। ठीक है, तो आप जो एक मोबाइल की टोर जलाएंगे, मोबाइल की टोर जलाइए आप, पूरा रिफ्लेक्शन से पूरा शीश महल में तारे तारे नजर आएंगे। तो एक मोबाइल की टोर जलाइए, हम देखिए सर रिफ्लेक्ट देखिए, अभी सूरज की रोशनी है फिर भी आपको नजर आएंगे, कम नजर आएंगे। अच्छा नहीं आए, दो मोबाइल दिखाओ दिखाओ, अब दिखाओ दो मोबाइल जलाओ, नहीं आ रही थी, आ रही थी, दो तीन जलाते हैं। वैसे दिख रही है वो रात में दिखेगी, जरा शाम होती है अंधेरा होता जब कई बार। चलो कोई नहीं, ठीक है। और ये आपको दिखाते हैं एलिफेंट का रास्ता, जहां से एलिफेंट्स ऊपर आते हैं, एलिफेंट मतलब हाथी, ठीक है जी। इस रास्ते से ये देखिए, ये रास्ता है जहां से हाथी ऊपर आते थे, इसे बोलते हैं हाथियों का रास्ता। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये है फोर्ट की मेन एंट्री और यह है सर्वेंट हाउस, जहां राजा महाराजाओं के नौकर वगैरह रहा करते थे। अब पता नहीं रहा करते थे नहीं करते थे, लेकिन कहते तो यही है। और सामने है जयगढ़ फोर्ट, और ये है पीछे बिल्कुल इसके जयगढ़ फोर्ट, अमेर किले के बिल्कुल पीछे जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ तो 10th सेंचुरी का, आपको रिमेम्बर होगा कि मैंने आपको मीरा हाउस के बारे में बताया था। और ये जयगढ़ फोर्ट की रास्ता जो अलग अलग किलो पे जाके खत्म होता था, ये देखिए जैसे चाइना की दीवार, इसी तरीके से यहाँ पर ये दीवार देख रहे होंगे, ये जाने आने का रास्ता है। मतलब सिपाही खड़े रहते थे, हाँ यहाँ पर सिपाही खड़े रहते थे बेसिकली। ये छोटी छोटी चौकी है बीच में, ये 12 किलोमीटर की वॉल जहाँ पर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूर पे राजाओं के सैनिक खड़े रहते थे। ये देखिए, और इसके बाद हम जाएंगे रानियों के किले की तरफ, मतलब रानियों का किला मतलब राजा जयसिंह की 12 रानियां थी, उन रानियों के अलग अलग महल। तो अब हम चलते हैं उन महल को देखने, जिन्हें बोलते हैं रानियों का महल, 12 रानी 12 महल। तो अब हम जा रहे हैं रानियों के महल की तरफ, 12 रानी 12 महल, जैसा कि हमने बताया था 12 महल नहीं, महल एक ही है। चलो महल एक ही है, 12 कमरे हैं, बात तो एक ही है, उनके कमरे भी महल जैसे ही होते थे, पर वैसे ये है घुटना तोड़ महल। तो ये देखिए, ये शुरू हो चुके हैं उनके कमरे, रानियों के कमरे। अच्छा,
वाटर स्टोरेज, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं चैम्बर है, पानी का टैंक है, तो ये है वाटर सप्लाई इस महल के लिए स्टोरेज किया जाता था। बारह वाटर चैम्बर, इनके नीचे पानी के टैंक है, नीचे जाके बनाए क्या ये बन रहा है, रुक जाओ चलो बताओ। ये राजा एक वाइफ का कमरा है, वो सामने देख रहे हैं, जो सामने वाला सीढ़ियों में, सीढ़ियों के पास जो कमरा है वो एक वाइफ का, आगे दूसरी का, और वहाँ पर सेकंड वाइफ थी उनकी, इधर कोने में तीसरी का, और कोने में तो शायद आ रहा है नहीं आ रहा है शायद, तीन वाइफ इधर है, तीन वाइफ लेफ्ट में, तीन वाइफ तीन राइट में, तीन उधर और तीन इधर। ओके, तो ये बेसिकली स्क्वायर में बना हुआ है, तो एक सामने थे जैसा कि हमने बताया था। अब हम पहुंच गए हैं रानियों के महल की तरफ। अब यहाँ इस साइड तीन रूम है, सामने तीन रूम है, इस साइड तीन रूम है और इस साइड भी तीन रूम है, इस तरीके से चारों दिशाओं में तीन तीन रूम है, टोटल 12 रूम है, 12 वानियां हैं, और इसीलिए इसको ये बारादरी के नाम से जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं रानियों के हमाम में, हमाम मतलब नहाने की जगह, और ये है एक वाइफ का, राजा जी की एक वाइफ का कमरा, ये पूरा कमरा है। इसी तरीके से 12 कमरे हैं चारों दिशाओं में तीन तीन करके, ये देखिए। और यहाँ जो ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर रानियां आके बैठती थी, आपस में बातें करती थी, इसको बोल सकते हैं रानियों का बोर्ड रूम, बोर्ड रूम मतलब मीटिंग रूम। और ये रानियों के महल में उनके अलग अलग कमरे, जैसा कि मैंने बताया था तीनों दिशाओं में, सॉरी चारों दिशाओं में तीन तीन कमरे। अब हम चलते हैं आगे, ये देखिए इस मेन, जहां पर ये मेन एंट्री है, इस एंट्री से ये राजाओं की रानियों के कमरे थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीन कमरे दिखाई देंगे जो तीन रानियों के कमरे थे, एक दो कम तीन दो और तीसरी रानी का कमरा उधर, ये देखिए बेडरूम होते थे। क्यों कितनी, हम आपको दिखाते हैं बाहर निकलने का रास्ता, देखिए किस तरीके का रास्ता है ये देखिए, छोटे छोटे दरवाजे, ये देखिए। और अब हम निकल रहे हैं बाहर, ये आ गए हैं हम बाहर, ये कॉफिटेरिया है यहाँ पर, कॉफी डे, ये राजाओं के टाइम में नहीं था, ये अब बनाया गया है, ये देखिए। जी क्या जी, अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, आइए आपको दिखाते हैं। ये राजा के नौकरों का एरिया था जहाँ खाना बनता था, ये बर्तन है जिसमें खाना बनता था, बड़े बड़ा इतने बर्तन है क्योंकि बनता भी खाना बहुत लोगों का था। और ये सारे उनके कमरे वगैरह हैं जहाँ राजा के नौकर वगैरह रहा करते थे। और एक ये है सुरंग, ये सुरंग है जहाँ लिखा भी है सुरंग का रास्ता, ये जाता है जयगढ़ किले की तरफ। जयगढ़ किला यहाँ से काफी दूर है जो हमने आपको ऊपर दिखाया था, बट ये सुरंग अंदर ही अंदर आपको जयगढ़ के किले की तरफ लेके जाती है। और देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे का जयगढ़ अपना किले के अंदर क्या क्या चीजें और हैं वो दिखाते हैं। गए हैं किले के एग्जिट पे, ये दो एग्जिट हैं, एक ये और एक ये, एक इधर से जाते हैं हम लोग पार्किंग की तरफ जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, और वहां से हम अपनी गाड़ी लेके अब निकलेंगे आगे देखने के लिए कि और क्या यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये बाहर आ गए हम किले के बाहर, आमेर किले के बाहर, मीणाओं पर आकर। अब हम आपको दिखाते हैं राजाओं के टाइम में जो लोग उनके लिए काम करते थे उनका गांव। ये जितने भी घर आपको दिख रहे हैं यहाँ सारे उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं, जो राजाओं के लिए काम करते थे उनके वंशज यहाँ रहते हैं और उनके लिए आज भी उसी तरीके का काम यहाँ पर करते हैं, जिसे हस्तशिल्प कला का काम बोलते हैं।
और यहाँ पर हर घर में वही काम किया जाता है। अंदर जाके वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं से अभी ये सब चीज दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब हम आपको लेके चलते हैं आगे दूसरे डेस्टिनेशन पे। आमेर का फोर्ट पूरे हम लोगों ने आपको दिखाया, अब दिखाते हैं हम आपको कोई और डेस्टिनेशन।